which is Pooja and Saurav. Yes, so aaj kya kar rahe hain hum? It was a very impromptu decision. This was actually a very much needed break kyunki lately hum jo we're working crazy, so we wanted to really get away. So humne decide kiya ki let's just go somewhere nearby. But aisi jagah jaate hain which we have not explored yet, and I have to talk really fast because my ice cream is melting. It's about a 2-hour drive from Auckland. Yes, it's somewhere around Wahi. So it's actually very difficult to talk. Yeah, so it's somewhere around Wahi, and we are on our second pit stop right now. हम बीपी पे रुके थे, सौरभ ने पाय खाई. Stopped at another place now. Just banana flavor है. This is mixed berries. Most jagah pe when it comes to real fruit ice creams, banana flavor milta nahi hai. Very surprisingly their banana flavor tha, but it's actually good. And he's struggling with his ice cream. Mine is still intact, so we are gonna enjoy that and we'll take you guys along. Saurabh can tell you what exactly the location is. Just 20 minutes before that falls. I don't know what's the name of that falls. Oharua. I don't know if I'm pronouncing it right. So, Pooja nahi decide kiya hai. Google search karke dekhte hain kaise hain. So, ye jagah, it's like on the way. On the way. Aur jab hum just pass by ho rahe the, to dekha ki bahut acha. It's actually really pretty. So, if you're coming this way from Auckland to those falls, we would recommend that you stop by this place because idhar koi nahi hai, nobody's there, and it's a very isolated place. Yes, it's in the middle of nowhere, and you can actually come and have a little chill time. Okay. Wo bol dete hain. No worries. Aur kaun sa time? Okay. Look, guys. Okay, I'm actually a little bit scared उधर जाने के लिए. किधर? इधर जाने के लिए. उधर. मेरे को swimming आती नहीं है, so I'm. Swimming तो हम दोनों को नहीं आती है. Yeah, तो मेरे को थोड़ा I don't wanna. Sorry, it's like उधर जाऊँ मैं picture लेती हूँ, लेता हूँ, and I'm like, nah, I'm good that way. इधर से. Officially ठंड हो गई है बहुत अभी. इधर ये second day है कि बहुत ठंडा है. बहुत ठंड हो रही है, तो अभी विंटर्स आ गए हैं. तो हाँ जी, वो देखो उधर ब्यूटीफुल सीनरी. हाँ जी, चलें? चलो यार, सौ 3 बज गए. इट्स ऑलरेडी 3 o'clock. द सन विल गो डाउन. लेट्स गो. अभी वी हैव रीच्ड पायरोआ. ये इसका टाउन सेंटर है. तो इधर से द फॉल्स आर नॉट टू अवे. जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव. और इधर से टोरंगा भी इट्स नियर बाई. इट्स रफली अराउंड 1 hour अवे फ्रॉम द फॉल्स. सो जो फॉल्स पे जा रहे हैं हम, इट्स एग्जैक्टली, इट्स नॉट एग्जैक्टली बट इट्स बिटवीन ऑकलैंड एंड टोरंगा अराउंड वाही. ये तो सबको पता है कि ये टाउन इज नोन फॉर द बॉटल, जो LMP की बॉटल है, बिकॉज LMP इज न्यूजीलैंड ड्रिंक. तो इधर बहुत बड़ा बॉटल. हाँ, आपने नहीं देखा है? नहीं, मैंने तो ओके. इधर है बॉटल, है बहुत बड़ी. इट्स लाइक, हाँ, तो पीपल स्पेशली ड्रॉप बाय टू क्लिक पिक्चर्स विद इट. हम भी करवा लेते हैं. आपने सच में नहीं देखा?
नहीं देखा, और आप भी सबको बोल रहे हो कि जैसे कि आप सबको पता है, क्या पता नहीं पता हो सबको। अच्छा केचर बॉटल है। ओके वी विल हंट फॉर द बॉटल और आपके पिक्चर्स हम क्लिक करते हैं, ठीक है? तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यहां पर है बोतल। हम जब कार में डिस्कशन कर रहे थे, हम ऑलरेडी टाउन में ही थे और टाउन एकदम सेंटर ऑफ द टाउन में ही ये बोतल है, तो इट्स इन दिस पार्क। LMP जो है विच इज़ न्यूजीलैंड ड्रिंक, हाँ, तो उसका ही फुल फॉर्म लेमन एंड पायरोआ है, और पायरोआ, हाँ, पायरोआ इज द नेम ऑफ दिस टाउन। सो बेसिकली दिस टाउन इज इन वाइकाटो एंड इट्स वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स बिगेस्ट सोडा बॉटल। ये आज पता चला है मुझे पूजा से। आई डिडंट नो दैट यू डिडंट नो अबाउट इट। ये रही बॉटल। चलो आपके फोटोज क्लिक करते हैं। मेरे फोटोज क्लिक करते हैं? हाँ, मेरे तो इधर है, आपके नहीं। आपके, आपने कब लिए इधर फोटोज? आई थिंक सो हम आए थे यार, यू डोंट रिमेंबर। आई थिंक सो अंकिता के साथ आए थे, समथिंग, किसी के तो साथ आए। हम इधर तो बहुत बार आए हैं पर इधर बॉटल के पास नहीं रुके हम। जायंट सोरा बॉटल। इसका हाइट क्या होगा? आई डोंट नो द हाइट ऑफ इट। क्या लगता है हाइट क्या होगा? बस आपसे थोड़ी बड़ी है, ऐसे करके देखो। स्टॉप मॉकिंग मी। The way to the waterfalls is a bit confusing. Once you turn from the main road, once you see the boat and turn from the main road, ये इधर ही है, बिल्कुल इधर ही है, but proper signs नहीं है. So it can be a little bit confusing क्योंकि हम बहुत आगे चले गए थे, तो it's right there and you have to like walk down. There is no car park. So हमने इधर लगा दिया without car park गाड़ी. So yeah, if you happen to come to this place, just make sure ki you spot this small little green board. So, haan. Which is right there. बहुत ये है, स्लिपरी है, ठंडा पानी है। अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यू है एंड कोई भी नहीं है इधर, बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है, बहुत क्वाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। ये देखो, ए पूजा, वी आर एट ओहारोआ फॉल्स। Or if you actually look at the falls, they are known to be like staircase falls, जिसमें बहुत ripples है और बहुत beautiful है। These falls are not just famous amongst tourists, but it's actually quite famous amongst locals as well. It's a hot spot for locals to come here to swim in summers. So, आज कोई भी नहीं है पड़ेगा। Lucky us. तो आज Thursday है, तो obviously लोग इधर कल आएंगे या परसों आएंगे, weekend पे आएंगे। हाँ जी, but if अगर आपको swimming करना है, specially you should definitely check these falls out क्योंकि इतना भी deep नहीं है, deep है, मतलब there are few spots which are really deep, but this place is known for swimming, taking a nice dip in the water. Yeah, so maybe let's take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh.
अभी हम जा रहे हैं खाना खाने. बाय बाय फॉल्स. सो वी आर अबाउट टू हैव अर्ली डिनर टुडे. एक्सट्रीमली अर्ली. वैसे हम 10 बजे 11 बजे ऐसे डिनर करते हैं, पर आज हम 5 बजे कर रहे हैं. 5 बजे डिनर करने के बाद अभी हम आ गए न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट वाही में. जस्ट क्यों आए? वी जस्ट नीड टू पिक अप सम सप्लाइज क्योंकि हमने बहुत अर्ली डिनर कर लिया एंड वी आर नॉट यूज्ड टू इट. और रात को हमें बहुत भूख लगने वाली है, तो इसलिए हम इधर से ग्रोसरी लेंगे रात के लिए और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट थोड़ा. वी आर डेड श्योर वी आर गोना बी हंग्री बाय लाइक व्हाट 10ish 11ish 10ish 11ish एट नाइट. या सो चलो अभी. ओके so we are so हम अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं जो हमने आज रात के लिए बुक की है. एंड मैंने ऑलरेडी देख ली है. इट इज ब्यूटीफुल पूजा, शाबाश. इजंट माय चॉइस ऑलवेज गुड? ऑलवेज. यू आर माय मेरी तरफ देख लो ना. एग्जैक्टली. आई वाज जस्ट गोना से यू आर माय चॉइस. सो कम ऑन इन. दिस इज अ क्यूट लिटिल लाउंज एरिया, एकदम छोटू सा. And then the dining table, I don't think so we are gonna make any use of this. And a very quirky corner, chotu sa couch hai to lounge around. And if you come to this side, that's the bedroom, very cozy. A big mirror which I can this is gonna be really useful tomorrow to do my makeup. And if you come to this side, we have got the kitchen area, जो बिल्कुल useless है हमारे लिए, apart from storing our drinks in the fridge. It's a very big kitchen, like. Comparatively, like New Zealand standards. और हमें कुछ use नहीं करेंगे इसका. And if you come on this side, this is again going to be useless for us because this place actually has got 2 bedrooms. तो हम अपने साथ और ले आते हैं और लोगों को लेके आते हैं कि आप भी आ जाओ. वी हैव गॉट अनदर बेडरूम एंड देन अ स्मॉल स्टोरेज प्लेस आई गेस. यस इट इज. एंड जस्ट द वॉशरूम एरिया, यू डोंट हैव टू शो दैट. दैट्स द बैकयार्ड. द सन हैज गॉन डाउन ऑलरेडी, पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. सो दैट्स द ब्यूटीफुल बैकयार्ड. Cheers. And we have already settled in. We got to our accommodation really early this time. We checked in really early. That was for a purpose. The purpose of this trip was just to relax. Exactly. इसलिए हमने इतनी जगह कवर नहीं की, इधर सिर्फ एक ही जगह कवर की और थोड़ा टाउन घूमा. बहुत लवली टाउन है वाही, बहुत क्यूट टाउन है. प्लीज विजिट इफ यू आर इन न्यूजीलैंड. अगेन यू गाइस आप बोलेंगे कि वी कुड हैव कवर अ लॉट मेनी प्लेसेस बिकॉज इधर इतनी जगह है देखने के लिए, लाइक द गोल्ड माइंस व्हिच इज रियली पॉपुलर, द म्यूजियम्स, द कितना कुछ है, वाही बीच. बट देन वी जस्ट वांटेड टू कवर थिंग्स व्हिच वी रियली वांटेड टू सी. वी लव वाटरफॉल्स. या एज यू ऑल नो, अगर आपने सारे व्लॉग्स हमारे देखे हैं तो वी लव वाटरफॉल्स. सो दिस इज गोना बी ऑल फॉर टुडे, बट यू गाइस शुड डेफिनेटली कम बैक टुमारो एज इट्स गोना चेक आउट आवर सेकंड व्लॉग. या एज इट्स गोना बी अ न्यू डे एंड न्यू एडवेंचर. फॉर नाउ we are just going to be enjoying
our stay, making the most of this place, sipping on some good wine and just chilling around. So that's gonna be all for today. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड कीप कमिंग बैक गाइस. वी आर गोना बी गेटिंग यू अ रियली इंटरेस्टिंग कंटेंट, सो प्लीज कीप कमिंग बैक टू आवर चैनल टू व्यू सम न्यू वीडियोस. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो देन. ओ बाय द वे, हैप्पी गुड़ी पाड़वा गाइस, हैप्पी बैसाखी एंड रमजान मुबारक सबको. एंड आई होप दैट दीज फेस्टिवल्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ टू एवरीवन. एंजॉय गाइस, हैव फन, स्वीट, दैट्स गोना बी ऑल. स्टे सेफ, बाय बाय.